सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी को, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी यूट्यूब फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूं, जो एक क्विक और बहुत ख़ास रेमेडी है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से आप अपने हाथों के कालेपन को, टैन को हटा सकते हैं और डेड स्किन को निकाल करके एक नई और खिली स्किन पा सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रॉ मिल्क। जी हाँ, रॉ मिल्क, मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, ये रॉ मिल्क है। रॉ मिल्क में बहुत सी ऐसी गुडनेस होती है, ऐसी विटामिन्स होती हैं जो आपकी स्किन को खूबसूरत बना सकती है। इसके मसाज से, सिर्फ रॉ मिल्क से ही अगर आप मसाज करेंगे तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन फिर से खिली खिली और साफ़ हो जाएगी। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रॉ मिल्क। इसके साथ ही मैंने रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक का यूज़ किया है। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत ही सस्ती ये चीज़ होती है। फ्रेंड्स, रॉक सॉल्ट जो होता है वो बहुत सारे हमें हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। वैसे नमक तो कई तरह के होते हैं, जैसे सी सॉल्ट या डेली जो यूज़ करते हैं वो सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, लेकिन मैं इसमें रॉक सॉल्ट को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्किन के डेड स्किन को निकालने की बहुत अच्छी गुडनेस होती है। इसीलिए मैं हाफ टी स्पून रॉक सॉल्ट एक खाली बॉल में इस तरह से ले रही हूँ, और इसके साथ फिर मैं इसमें रॉ मिल्क को ऐड करूँगी, हाफ टेबल स्पून रॉ मिल्क ये, और दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर दें कि दोनों एक दूसरे में एकदम मिक्स हो जाएं इस तरह से। फ्रेंड्स, इसको आप जब यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही मिलेगा कि आपकी स्किन में टैन जो है वो प्रॉब्लम हट रही है, और आपकी स्किन अगर काली पड़ गई है, एक जैसी नहीं है, कहीं गोरी कहीं काली है, उसमें ये काफ़ी आपकी हेल्प करने वाली है। तो एक कॉटन से मैंने इसमें डुबो लिया है कॉटन को। अब मैं इस तरह से बहुत जेंटली और स्मूथली आपको इसे मसाज करना है, इस तरह से हल्का हल्का मैं मसाज कर रही हूँ। देखिए, फिंगर के इस एरिया में काफ़ी कालापन हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और टैन हो जाता है। तो आप इस तरह से हल्का हल्का वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको लगे कि स्पॉट्स हैं या टैन आ गया है या गोरी और काली स्किन हो गई है दो कलर की, तो उस पर आप इस तरह से हल्का हल्का स्मूथली आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं, और आप जेंटली मसाज इसको करिए। देखिए इस तरह से, और फ्रेंड्स वीक में 2 टाइम आप इसको कर सकते हैं। अब हाथों से मैं फिंगर से स्मूथली इसको रब कर रही हूँ। ये देखिए, हल्का हल्का आप जहाँ पे आपको लगे कि टैनिंग हो गई है वहाँ पर आप धीरे धीरे इसको इस तरह से स्मूथली इसको आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी पर्सनली मैं बता रही हूँ कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है क्योंकि इसकी एक दो यूज़ से आप महीनों तक आराम से प्रॉब्लम फ्री रह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्किन गोरी और काली है तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इसको ट्राई करना है, और इस तरह से आपकी स्किन में भी फ़र्क नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई करें इस तरह से, और नॉर्मल पानी से आप इसको फिर धुल लें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, एक सब्सक्राइब करें, शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और देखते रहें मेरे चैनल को। बाय बाय।